दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और आपको फोन पे एप्लीकेशन में बहुत सारा आपको कैशबैक मिला हुआ है और आप कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिरकार फोन पे के कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। जैसे हम आपको दिखा दें, हम यहाँ पर अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। हम पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारे फोन पे वैलेट में, फोन पे गिफ्ट कार्ड में 238 रुपए हैं। ये हमारे पास कल 1200 रुपए थे और मैंने 1000 रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है जिसका यूज करके अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड का पैसा अपने बैंक में ले सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको दो तरीके बताएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं और आसानी से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास फोन पे में गिफ्ट कार्ड आपको मिला हुआ है, कैशबैक मिला हुआ है, 1000 का, 2000 का, कितना भी आपको मिला हो, और उसे अगर आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो बैंक में लेने से पहले आपको यहां पर रिचार्ज करना होगा, बिल पेमेंट करना होगा, बिजली का बिल जमा करना होगा या आप किसी का भी बिल जमा कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपका क्या होगा कि आपका जो गिफ्ट कार्ड होगा वो आपका यूज हो जाएगा। और जैसे अगर आप अपने फ्रेंड का रिचार्ज कर देंगे यहाँ से, तो आपका रिचार्ज भी आपके फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड से ही होगा। तो आप उनसे अपना पैसा ले लीजिए अपने फ्रेंड से। तो पहला तरीका ये है कि आप जैसे हम मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं। लेने के बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर ये 239 रुपये वाला रिचार्ज करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और अभी आपको दिखाई देगा कि हमारा कैशबैक सेलेक्ट हो गया है। हम यहाँ से कैशबैक से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, अपना या अपने फ्रेंड का। तो आप इस तरीके से अपना कैशबैक यूज कर सकते हैं और जिसका आप रिचार्ज करेंगे उससे आप पैसे ले लेंगे तो आपका पैसा आपको नगद मिल जाएगा। तो पहला तरीका ये है। अब बात करेंगे दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास बहुत सारा कैशबैक है तो आपको यहाँ पर गोल्ड खरीदना होगा। गोल्ड आप खरीद लेंगे, खरीदने के बाद आप उसे सेल कर देंगे। जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको वेल्थ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मिलेगा गोल्ड, अब आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने 7766 रुपए का गोल्ड खरीदा हुआ है और ये मैंने फोन पे के वैलेट से ही खरीदा हुआ है, कैशबैक से ही खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर मिलेगा वन टाइम, आप इस पर क्लिक कर दें। कितने रुपए का लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको डाल देना होगा। जैसे हम यहाँ पर 100 रुपए का बताने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर 100 रुपए डाल दिए हैं। डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखेंगे आपके फोन पे के गिफ्ट कार्ड से आपका गोल्ड खरीद जाएगा और यहाँ से आप पे कर दीजिए तो आपके फोन पे के गोल्ड से, यानी कि फोन पे वैलेट से या आपके फोन पे कैशबैक से आपका गोल्ड खरीद जाएगा। जब आपका गोल्ड यहाँ पर खरीद जाएगा तो आपको 24 घंटे का इंतजार करना होगा, फिर आपको मैनेज योर लॉकर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा सेल गोल्ड, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका गोल्ड आपको दिखाई देगा। अब आप कितने रुपए का बेचना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर 158 रुपए का बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा एक बटन सेल करने का और आपका पैसा इस वाले बैंक में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका जिसका यूज करके अपने कैशबैक को बैंक में ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं एक और तरीका है जिसका यूज करके आप पैसे बैंक में ले सकते हैं। तो ये तरीका ये है कि आपको किसी के शॉप पर जाना होगा जहाँ पर फोन पे का बिजनेस अकाउंट का जो QR कोड होता है, फोन पे का जो QR कोड होता है बिजनेस अकाउंट का, तो उस पर आप पैसे स्कैन करके दे सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाएं तो मैंने यहाँ पर कल ही मैंने पेमेंट किया है, ये मैंने गोल्ड खरीदा था 8000 रुपए का और आपको बता दें तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट और मैंने पैसे दिए थे अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही मैंने कल एक शॉप पर गया, वहां से मैंने सामान कुछ खरीदा और मैंने पैसे अपने गिफ्ट कार्ड से दे दिया, उनके पास बिजनेस का, फोन पे बिजनेस का QR कोड था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी के शॉप पर जाएंगे और वहां पर आप अगर उसके पास फोन पे बिजनेस का QR कोड है तो उसको आप स्कैन करके अपने कैशबैक एंड गिफ्ट कार्ड से पेमेंट कर देंगे और वो पेमेंट आप फिर अपने हाथों में ले लीजिए या आप कोई भी अपना सामान खरीद लीजिए। तो ये वो तरीका है जिसका आप यूज करके अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड को अपने बैंक में ले सकते हैं। मैंने आपको यहां पर कम से कम 3 से 4 प्रोसेस बता दिए हैं। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।